Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And in the series of educational thinkers, today I am going to discuss Bertrand Russell's views on education, or you can say Bertrand Russell's educational philosophy. Okay, and the lecture will be in bilingual mode and it must be useful for various competitive teaching examinations as well as your regular BA, MA and BA DMIT course. Okay, so do subscribe my channel to get my future videos too. Let's start. First of all, Russell on education. Bertrand Russell ne shiksha par kya kaha hai? Dekhi, Bertrand Russell ek bahut mahan दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने बहुत अपने समय से आगे थे ये लोग. आप डीवी को पढ़ लीजिए, आप गांधी जी को पढ़िए, टैगोर हुए, विवेकानंद हुए, ये लोग अपने सदियों आगे थे अपने युग से और वो ऐसी बातें बोल गए जो आज भी हमारे लिए उतनी ही सार्थक और आगे भी सार्थक रहेंगी. तो इसलिए इन लोगों को पढ़ना सुखद होता है और जानना कि शिक्षा उनकी दृष्टि में शिक्षा क्या थी, वो शिक्षा का क्या उद्देश्य सोचते थे. तो उस हिसाब से हम अपना एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स उनके अकॉर्डिंग उन लोकल कंटेक्स्ट में कितना अडॉप्टेबल है उस हिसाब से अपना सकते हैं. ओके, तो अ पॉलीमैथ रसेल केम टू बी कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स ऑफ द 20th सेंचुरी. मतलब इनको कहा जाता है कि 20वीं सदी के ये सबसे महान मतलब विद्वान रहे, विद अ करियर दैट इंक्लूडेड मैनी बुक्स, लेक्चर्स एंड अवार्ड सच एज, की स्पेलिंग गलत हो गई, सच एज नोबल प्राइज नोबल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950. मतलब 1950 में इनको साहित्य का नोबल भी मिला. He was a realist in so far as he applied a scientific approach to social issues. देखिए, जब हम फिलोसफी पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि जो रियलिस्ट अप्रोच है वो साइंटिफिक अप्रोच है, क्योंकि वो यथार्थ को मानती, जो इम्पिरिकल है, जो जो अनुभूत किया जा सकता है वही सत्य है ना. तर्क को प्रधानता देती, विज्ञान को प्रधानता देती है. तो ये रियलिस्ट थे क्योंकि ये साइंटिफिक अप्रोच सोशल इश्यूज के लिए इन्होंने अप्लाई किया और उसको सही माना. रसेल बिलीव्ड अ मोर टेम्परेट अप्रोच टू साइंस कुड हेल्प सॉल्व सच प्रॉब्लम्स एज पार्टी एंड इल हेल्थ. इन्होंने कहा कि अगर हम ये वैज्ञानिक विधि लेके चलेंगे, वैज्ञानिक तरीका अपनाएंगे, तो गरीबी, बीमारी, इस तरीके की जो सोशल इवेंट्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. He was a visionary educational philosopher with noble intentions. मतलब इनके जो भाव थे, जो इनका मनोविचार था, वो बहुत noble था और ये visionary educational philosopher थे. visionary educational philosopher मतलब इनका vision, मैंने कहा ना कि बहुत आगे की बातें ये लोग देखते सोचते थे. He wanted human beings to be introspective and evaluate the veracity and logic of thought with the will to doubt. मतलब चूंकि ये रियलिस्ट थे, चूंकि इन्होंने तर्क को प्रधानता दी, चूंकि ये लॉजिक को प्रधानता देते थे, तो इन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स, जो मनुष्य है, उसको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपने अंतर मन में झांकना चाहिए, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहिए, डाउट का कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए, है ना. और द की रोल ऑफ एजुकेशन इज टू बी इंटरवेंशनिस्ट एंड फोस्टर सेल्फ डेवलपमेंट एज वेल एज पॉजिटिव सिटीजनशिप ओरिएंटेड टूवर्ड्स प्रोग्रेस. मतलब इन्होंने कहा कि शिक्षा का क्या रोल है कि इंटरवेंशन हो, हम सेल्फ डेवलपमेंट हो यानी कि व्यक्ति का विकास हो, इसके अलावा सिटीजनशिप हो यानी कि समाज का भी विकास हो, प्रगति पे जाए समाज, समाज की उन्नति हो. मतलब कि इसका इनडायरेक्ट देखें तो इन्होंने इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल एम ऑफ एजुकेशन को इक्वल इम्फेसिस दिया. सॉरी, गला थोड़ा खराब है. रसेल इल्यूसिडेटेड अ वायबल पाथ फॉरवर्ड इन ऑन एजुकेशन. देखिए, ऑन एजुकेशन इन्वर्टेड कॉमा में होना चाहिए. इनकी बुक है ऑन एजुकेशन, गुड लाइफ, ये सब इनकी किताबें हैं. एजुकेशन एंड द गुड लाइफ बहुत पॉपुलर किताबें हैं. तो इन्होंने एक हमको ऑन एजुकेशन, एजुकेशन एंड द गुड लाइफ एंड एजुकेशन एंड द सोशल ऑर्डर किताबों में हमको बताया, रिगार्डलेस ऑफ हाउ दे वर एजुकेटेड एज चिल्ड्रेन, कॉम्पिटेंट एडल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एजुकेशनल जर्नी एंड डेवलपमेंट. The voyages into both an inner and outer world. यानी कि ये क्या है कि ये जो समुद्री यात्रा है, जो यात्रा है जीवन की, वो हमारी अंदर भी चल रही है, मन के अंदर, आपके अंदर भी चल रही है और बाहर के समाज में भी चल रही है, बाहर के संसार में भी चल रही है. तो ये कहते हैं कि from within the learner, its love and light can shine outward, others to be shared and disseminated. मतलब कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं. इन्होंने जो अपने तीन मुख्य काम है इनके, ऑन एजुकेशन, एजुकेशन एंड द गुड लाइफ,
एजुकेशन एंड द सोशल ऑर्डर, इन किताबों में ये बताते हैं कि जो मन की यात्रा है, जो संसार, जो हमारा जीवन यात्रा है, वो हमारे अंदर भी चल रही है, अंदर भी एक संसार है, बाहर भी एक संसार है। और लर्नर को क्या करना है, इट्स लव एंड लाइट, हमारे अंदर जो ज्ञान का प्रकाश है, जो ज्ञान की ज्योति है, वो कैन शाइन आउटवर्ड, वो बाहर की दुनिया को भी प्रकाशमान कर सकती है, तो हमको उसको शेयर करना चाहिए, उसका प्रसार करना चाहिए। ओके, और बिफोर कंसिडरिंग हाउ टू एजुकेट, इट इज वेल टू बी क्लियर एज टू द सॉर्ट ऑफ रिजल्ट विच वी विश टू अचीव। वो कह रहे हैं कि जब आप पढ़ाने जा रहे हैं, जब आप शिक्षित करने जा रहे हैं जनमानस को, विद्यार्थियों को, तो पहले ये तो क्लियर होना चाहिए कि आप चाहते क्या है, कि परिणाम क्या है, मतलब कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। या आप कह सकते हैं कि जो अब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं, वो ये तब कर रहे थे और कह रहे थे कि पहले आप अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कीजिए कि विच सॉर्ट ऑफ रिजल्ट यू वॉन्ट टू अचीव। तो इन्होंने कहा कि फोर, देखिए ये जो बात आ रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी, इन्होंने कहा कि फोर कैरेक्टरिस्टिक्स विच सीम टू मी जॉइंटली टू फॉर्म द बेसिस ऑफ एन आइडियल कैरेक्टर। क्योंकि कैरेक्टर फॉर्मेशन इन्होंने शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य बताया, चरित्र निर्माण, और इन्होंने कहा चरित्र के चार मुख्य गुण होते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत बात है ये, किससे मिलकर चरित्र बनता है इनके हिसाब से, रसेल साहब के हिसाब से ये कह रहे हैं वाइटैलिटी, जो जीवन का बल है आपके अंदर, करेज, साहस और सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस देखिए सिंपैथी आ जाएगा सेंसिटिवनेस में, यानी कि सहानुभूति, कॉग्निटिव सेंसिटिवनेस, एस्थेटिक सेंसिटिवनेस एंड इंटेलिजेंस। ये चार गुण जो मिलकर हैं वो व्यक्ति का चरित्र बनाते हैं। और इन्होंने कहा कि शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि इस तरीके के चरित्र का निर्माण मनुष्य में हो जाए। क्या क्या, वाइटैलिटी, करेज, सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस का कंसेप्ट बहुत ब्रॉड है, जिसमें सिंपैथी है, कॉग्निटिव सेंसिटिवनेस है, एस्थेटिक, मतलब कि संज्ञानात्मक हम सेंसिटिव रहें, हमारे अंदर सौंदर्यात्मक सेंसिटिविटी हो, और बुद्धि, ठीक है। सॉरी, ओ अब जरा सारे देख लें कौन कौन से, वाइटैलिटी, करेज, सेंसिटिवनेस और इंटेलिजेंस, इनका क्या तात्पर्य रहा। तो अकॉर्डिंग टू रसेल, ऑल्दो वाइटैलिटी इज ए फिजिकल ट्रेट, बट इट लार्जली शेप्स अवर मेंटल स्टेट एंड स्टैमिना। ये कह रहे हैं कि वैसे तो ये एक फिजिकल ट्रेट है, लेकिन ये हमारी मेंटल स्टेट और स्टैमिना को बहुत ज्यादा आकार देता है। क्या, जो हमारे जीवन का बल है, जो हमारे अंदर जीवन को लेके जो सोच है, जो पॉजिटिविटी है, यू कैन से, है ना। और वाइटैलिटी प्रमोट्स इंटरेस्ट इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इट ऑल्सो प्रमोट्स द पावर ऑफ हार्ड वर्क। मतलब वाइटैलिटी है ना, तो हम चाहेंगे कि जीवन में हम कुछ अचीव करें, कुछ करें, कुछ समाज को दें, कुछ हमारा बाहर के संसार से कुछ इंटरेस्ट होगा, नहीं तो हम केवल इनर वर्ल्ड में ही होके खत्म हो जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि करेज के दो हिस्से कौन कौन सा, ये कह रहे हैं कि फर्स्ट विच रसेल कॉल्ड द एब्सेंस ऑफ फियर। देखिए इन्होंने अपनी अपनी राइटिंग्स में एब्सेंस ऑफ फियर की बहुत बात की है, मतलब जो छात्र है उसके मन में भय नहीं होना चाहिए, उसका जो मन करे वो अपने शिक्षक से पूछ सके, बातचीत कर सके, भय का वातावरण कक्षा कक्ष और विद्यालय और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में नहीं होना चाहिए। इससे देखिए कितने इम्प्लीकेशन निकलते हैं, इससे ये भी इम्प्लीकेशन निकलता है कि इनके हिसाब से डिसिप्लिन क्या है, पनिशमेंट नहीं, यानी कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, आंतरिक डिसिप्लिन होना चाहिए। हम किसी के भय से सही ना करें, हम इसलिए सही करें कि वो सही है, हमारा मन, हमारा आंतरिक मन हमको अनुशासित रखे। ओके, और सेकेंड एस्पेक्ट करेज का क्या है, इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड वन्स ओन लिमिट्स। यानी कि करेज का दूसरा हिस्सा है कि हमको अपनी सीमाओं और अपनी क्षमताओं के बारे में बताओ। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, यानी कि अगर हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है, इसका मतलब नहीं कि हम भयभीत होकर कह रहे हैं, इसका मतलब कि हम साहसी हैं और हमारे अंदर ये साहस है कि हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हमारी लिमिट के बियॉन्ड ये काम है, ठीक है। तो ये दो बहुत खूबसूरत इन्होंने पार्ट्स हमको करेज के बताए हैं, पहला एब्सेंस ऑफ फियर और दूसरा टू अंडरस्टैंड वन्स ओन लिमिट्स, हमको पता हो कि हमारी सीमाएं कहाँ तक है, कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं उसको, ठीक है। फिर फियर क्या कह रहे हैं कि फियर शुड बी कॉन्क्वर्ड थ्रू वाइटैलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। ये कह रहे हैं कि जो भय है उसको जीता जा सकता है ना, डर के आगे जीत है, कैसे, वाइटैलिटी से और सेल्फ रिस्पेक्ट। जो तीसरा कैरेक्टर ये कहते हैं कि थर्ड एलिमेंट ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन सेंसिटिवनेस, तो उधर ही बता दिया कि सेंसिटिवनेस में सिंपैथी है, कॉग्निटिव सेंसिटिवनेस है और एस्थेटिक सेंसिटिवनेस है। ये भी कह रहे हैं कि द एजुकेशन प्रोड्यूसिंग सेंसिटिवनेस टू एब्स्ट्रैक्ट स्टिमुलाई वुड वाइप आउट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द इविल्स दैट एग्जिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड टुडे।
देखिए इतनी घृणा है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना अपराध है, इतने इतनी व्याप्तियां हैं, इतनी व्याधियां हैं समाज में, तो ये कह रहे हैं कि आधुनिक समाज में ये जितनी भी बुराइयां हैं वो सब हम सेंसिटिवनेस अगर एजुकेशन छात्र में प्रोड्यूस कर दे तो उनका नाश हो सकता है। और वो फोर्थ एलिमेंट ऑफ कैरेक्टर फॉर्मेशन उनके लिए क्या है, इंटेलिजेंस, बुद्धि। इन द ओपिनियन ऑफ रसल इंटेलिजेंस मींस एक्वायर्ड नॉलेज एंड एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज। वो कह रहे हैं कि रसल के विचार में बुद्धि का मतलब है कि वो जो ज्ञान हमने अर्जित किया है और वो योग्यता जो हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। बिसाइड्स द अबव फोर एलिमेंट्स देयर आर अदर एलिमेंट्स कंड्यूसिव टू कैरेक्टर फॉर्मेशन। वो कह रहे हैं कि इसके अलावा कुछ और भी तत्व हैं जो चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, जैसे कोऑपरेशन, कितना हमारे अंदर सहयोग की भावना है अपने साथियों के साथ, ट्रूथफुलनेस, कितने हम सत्यवादी हैं, ऑब्जर्वेशन, हमारा कितना शार्प है, और हमारे अंदर ओपन माइंडेडनेस कितनी है, मतलब हम कितने खुले विचारों के सॉरी ठीक है। तो इनके हिसाब से यानी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कैरेक्टर फॉर्मेशन हो गया, और कैरेक्टर फॉर्मेशन के इन्होंने चार हिस्से बताए, चार उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए या एलिमेंट बताए, वाइटैलिटी, करेज, करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर, और टू अंडरस्टैंड वंस ओन लिमिट्स, और सेंसिटिवनेस, और इंटेलिजेंस। इसके अलावा भी कुछ है जैसे कि कोऑपरेशन, ट्रूथफुलनेस, और आपका ओपन माइंडेडनेस, और ऑब्जर्वेशन। इस हिसाब से तो कैरेक्टर बनेगा। रसेल ने क्या कहा, रसेल प्रेजेंट्स अ मोर एक्सेप्टेबल स्कीम ऑफ एजुकेशन इन विच चिल्ड्रन ग्रो एंड यूज देयर क्रिएटिव लेटेंट पोटेंशियलिटीज। ऑन एजुकेशन में रसेल कहते हैं, ही वांट्स टू सेट फोर्थ द गोल ऑफ एजुकेशन विच कुड क्रिएट सच क्वालिटीज इन मैन एंड वुमेन विच कुड मेक देम एक्सीलेंट। वो कह रहे हैं कि शिक्षा में वो गुण होना चाहिए कि वो मनुष्य में, आदमी में, औरत में, जन जीवन में उस तरीके के गुण विकसित कर सके कि वो एकदम एक्सीलेंट बन जाए। मतलब ऐसा ना हो कि हम शिक्षित तो हैं पर हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, हमारे अंदर चरित्र निर्माण नहीं है, हमारे अंदर कोई भी इस तरीके की अगर अच्छाई नहीं है, इसका मतलब कि शिक्षा ने अपना रोल प्ले नहीं किया है। ओके सॉरी हाँ। तो इन्होंने कहा, रसेल फाउंडेड हिज थ्योरी ऑफ एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजी। देखिए फिलोसफी भी है, वो फिलोसोफर भी है, वो साइकोलॉजिस्ट भी है, वो चाइल्ड साइकोलॉजी के हिसाब से अपनी थ्योरी दे रहे हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट सिक्स इयर्स आर इम्पॉर्टेंट इन चाइल्ड्स लाइफ। वो कह रहे हैं किसी भी बच्चे के जीवन में उसके पहले छह साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किसके लिए, फॉर द टीचिंग ऑफ द चिल्ड्रन। वो कहते हैं कि जब आप बच्चों को पढ़ाइए तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। पहला कौन सा, फर्स्ट टू क्रिएट एंड डेवलप क्यूरियोसिटी इन चिल्ड्रन, कि बच्चे में क्यूरियोसिटी, वो क्यूरियस हो, वो जागरूक हो, वो जानना चाहे, है ना। जैसे बच्चे में क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो वो कुछ जानना नहीं, वो उसको आप क्यूरियस बना दीजिए, वो खुद ही दुनिया की सब चीजें जानना चाहेगा, विच इज एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यानी कि उसके बौद्धिक विकास के लिए जरूरी है कि हम ऐसा वातावरण बनाएं कि छात्र क्यूरियस बने, पहली बात। सेकेंड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द टीचर टू प्रोवाइड द स्टिमुलाई टू द चिल्ड्रेन विच कैन अवेक देम एबल टू द लेवल सो दैट दे कैन सेटिस्फाई देयर क्यूरियोसिटी। देखिए कितनी सुंदर बात है, पहली बात वो कह रहे हैं कि बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप कीजिए, दूसरी बात उसको इतना स्टिमुलाई दे दीजिए, इतना उसको जागृत कर दीजिए कि वो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत कर सके। एंड इन एनी केस दिस क्यूरियोसिटी मस्ट नॉट बी सप्रेस्ड। और वो कह रहे हैं शिक्षा बिल्कुल ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बच्चे की क्यूरियोसिटी को दबा दे, यानी कि क्यूरियोसिटी बच्चे में फ्लरिश हो। सम अदर क्वालिटीज आर नेसेसरी इन द परस्यूट ऑफ नॉलेज, विच इज फिर से वही बात आ गई, ओपन माइंडेडनेस, पेशेंस, कंसेंट्रेशन। देखिए आजकल के हम लोग कहते हैं ना बच्चों में कंसेंट्रेशन नहीं है, किसी चीज पे कंसेंट्रेट नहीं करते, फेथ इन एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एग्जैक्टनेस एंड परसिवरेंस, सारी ऐसे गुण हैं कि अगर एक भी हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए और हम सही मायने में शिक्षित हो जाए। रसेल्स एम इज टू मेक यूजफुल लर्नेड सोसाइटी। वो चाहते थे कि हमारा जो समाज हो वो शिक्षित उपयोगी समाज हो। एंड फॉर हिम एजुकेशन इज लर्निंग प्रोसेस फॉर गुड लाइफ। और वो कहते थे कि शिक्षा क्या है, शिक्षा कुछ नहीं है बल्कि एक अच्छे जीवन के लिए अधिगम की प्रक्रिया है, ठीक है। फिर अगर हम इनकी फिलॉसफी जानना चाहें तो फिलॉसफी आप जानते हैं कि हम कोई भी फिलॉसफी पढ़ना चाहें तो हमको उसका मेटाफिजिक्स पता हो, एपिस्टेमोलॉजी लॉजिक पता हो, एक्सियोलॉजी इथिक्स पता हो तो हमको वो फिलॉसफी पता चल जाएगी। यहाँ हम फिलॉसफी पढ़ने जा रहे हैं कि मेटाफिजिक्स ज्ञान
तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा, लॉजिक और मूल्य मीमांसा और मूल्य एथिक्स, है ना, नीति निर्धारण तत्व। तो मेटाफिजिक्स क्या है रसेल का? अनलाइक आइडियलिस्ट एंड नेचुरलिस्ट, मतलब वो आदर्शवादी भी नहीं है, वो आपके प्रकृतिवादी भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू, क्यों? क्योंकि वो तो रियलिस्ट है ना। दिस यूनिवर्स इज इंडिपेंडेंट, वो कह रहे हैं ये जो ब्रह्मांड है वो स्वतंत्र है। इट इज एक्सपीरियंस बाय सेंसेस, वो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। इट हैज नो फंडामेंटल यूनिटी एंड देयर इज नो रेगुलरिटी इन इट एज वेल। कहने का मतलब कि चेंज होता रहता है, इसमें कोई नियमितता नहीं है, इसमें ये अनप्रिडिक्टेबल है ना। और एपिस्टेमोलॉजी उनके हिसाब से ज्ञान मीमांसा क्या है? तो इन्होंने कहा कि रसेल हैज डिवाइडेड नॉलेज इनटू टू फॉर्म्स। अकॉर्डिंग टू रसेल जो ज्ञान है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो कह रहे हैं पहला है डायरेक्ट नॉलेज और दूसरा है डिस्क्रिप्शन नॉलेज। डायरेक्ट नॉलेज वो है जो हम डायरेक्ट अपनी सेंसेस से पाते हैं, द नॉलेज गॉट बाई सेंसेस फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी अनुभवों से, अपनी ज्ञानेंद्रियों से जो हमको ज्ञान मिल रहा है वो डायरेक्ट नॉलेज है। एंड द नॉलेज दैट इज ऑब्टेन बाई अदर्स डिस्क्रिप्शन और गेस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन नॉलेज। और कह रहे हैं कि जो दूसरे के डिस्क्रिप्शन से हमको या गेस से जो ज्ञान मिल रहा है वो डिस्क्रिप्शन नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल द नॉलेज ऑफ सेंस डेटा इज डायरेक्ट नॉलेज एंड द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री गॉट बाई रीडिंग और लिसनिंग इज डिस्क्रिप्शन नॉलेज, है ना। It is evident that according to Russell, there are only two means of getting knowledge, sense and words. तो क्या मतलब हुआ कि रसेल के हिसाब से ज्ञान को सिर्फ दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। पहला ज्ञानेंद्रियों से, तो जो ज्ञान ज्ञानेंद्रियों से मिल रहा है वो डायरेक्ट नॉलेज हो गया, और जो ज्ञान किसी से सुन के पढ़ के मिल रहा है, शब्दों से मिल रहा है, वो डिस्क्रिप्शन नॉलेज हो गया। और एक्सियोलॉजी क्या है रसेल के हिसाब से? मूल्य मीमांसा क्या है इनकी फिलोसफी की? कि रसेल डिड नॉट बिलीव इन रिलीजियस एंड मॉरल वैल्यूज, ये धार्मिक और नैतिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखते थे। ही फेवर्ड सोशल मोरालिटी, इन्होंने सोशल मोरालिटी को प्रधानता दी, सामाजिक नैतिकता। ही कंसिडर्ड लव, फॉरबियरेंस, कोऑपरेशन, फ्रीडम, पीस एंड क्रिएटिविटी एज द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ। इन्होंने कहा मतलब हमारे अंदर सहने की क्षमता हो, प्रेम की क्षमता हो, हम सहयोग कर सके, स्वतंत्रता का हम समझ सके, शांति हो, रचनात्मकता हो, ये सारे जो मूल्य हैं उन्होंने कहा कि ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी है। एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल दीज एट्रीब्यूट्स इन ह्यूमन बीइंग कैन बी डन ओनली इन अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। ही वाज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतांत्रिक एनवायरनमेंट में ही ये सारे गुण फ्लरिश कर सकते हैं, और वो लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे। ठीक है, फिर इनके हिसाब से अगर एम्स ऑफ एजुकेशन देखें तो नो डाउट इन्होंने कैरेक्टर बिल्डिंग की बात की है। कैरेक्टर के चार हमको कंपोनेंट बताए हैं। ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि बच्चे को क्यूरियस बनाइए, वो अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई कर सके। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड इनका एम है, क्यों? क्योंकि ये रियलिस्ट थे। इंडिविजुअलिटी की भी बात है, सिटीजनशिप की भी बात है, मतलब इंडिविजुअल एम की भी बात है, सोशल एम की भी बात है। और डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनलिज्म, क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं ना सोशल मोरालिटी को प्रधानता है, यानी कि ये नहीं हो कि बस हमारा देश अच्छा है बाकी सारे देश बुरे हैं, खराब हैं, गलत हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग की बात, देखिए यही बात टैगोर भी कहते हैं अपनी फिलोसफी में। ठीक है, और ये दो बार आ गए, सॉरी। द फोरमोस्ट एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप प्यूपल्स इंटेलेक्ट एंड कैरेक्टर, यानी कि सबसे अगर हम एक लाइन में कहना चाहें तो उनका एम था कि हम व्यक्ति का, शिष्य का चरित्र और बुद्धि का विकास करें। ओनली थ्रू एजुकेशन कॉन्शियस एंड सुपीरियर टाइप ऑफ इंडिविजुअल कैन बी क्रिएटेड। वो कह रहे हैं कि सिर्फ शिक्षा के द्वारा हम बढ़िया इंडिविजुअल बना सकते हैं, जो कॉन्शियस हो, जिनके अंदर चेतना हो। अकॉर्डिंग टू रसेल एजुकेशन मेक्स प्यूपल्स इनेबल टू थिंक, enables them to choose intelligently between two views which they want to accept. वो कह रहे हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य को, व्यक्ति को हम बना, मतलब इस योग्य बना सकते हैं कि वो सोच सके, वो बुद्धिमत्ता पूर्ण दो व्यूज में से एक को चुन सके जिसको वो चुनना चाहता है। शिक्षा में ये capability होनी चाहिए according to Russell. ठीक है, तो इसका मतलब कि बहुत ही बैलेंस्ड और अपने समय से बहुत आगे की फिलॉसफी रसेल साहब की, और बहुत इन्होंने हमको बढ़िया बातें बताई कि शिक्षा क्या क्या कर सकती है। तो अगर हम कंक्लूड करना चाहें बर्ट्रेंड रसेल साहब के व्यूज को, तो हम अपने शब्दों में ना करके मिस्टर ब्रैडले ने उनके लिए क्या कहा, देयर इज नो लिविंग राइटर विद हु आई एम एक्वेंटेड हुज वर्क एंड फिलॉसफी सीम्स टू मी मोर ओरिजिनल एंड वैल्यूएबल देन दैट ऑफ मिस्टर रसेल। कह रहे हैं कि कोई भी, मतलब कोई जीवित राइटर इस वक्त ऐसा नहीं है जिसके दर्शन को मैं ज्यादा नैतिक और मूल्यवान समझूं रसेल साहब के अलावा, है ना। तो इसका मतलब कि उनका बहुत ही वैल्यूएबल काम है। फिर आरवी पेरी ऑफ हार्वर्ड कहते हैं उनके लिए
कि मिस्टर रसल इज रेस्पेक्टेड बाय ओपोनेंट्स एंड फॉलोअर्स अलाइक, मतलब वो अपने विरोधियों के भी उतने ही प्रिय हैं जितने अपने अनुयायियों के। वन ऑफ द जेन्युइनली फिलोसॉफिकल माइंड्स, मतलब कितना दार्शनिक उनका विचार था, उनका मन था, उनका दिमाग था। और विल ड्यूरांट अपनी किताब द स्टोरी ऑफ फिलोसफी में कहते हैं कि बर्ट्रैंड रसल द यंगेस्ट एंड मोस्ट वायराइल ऑफ यूरोपियन थिंकर्स ऑफ अवर जनरेशन। वो कह रहे हैं कि हमारी इस सदी के, इस पीढ़ी के यूरोपियन थिंकर्स में वो सबसे छोटे और सबसे बड़े आदमी थे। कौन? बर्ट्रैंड रसल। सो थैंक यू। फाइनली आई हैव कवर्ड बर्ट्रैंड रसल। इट टुक सो मच टाइम टू गेट कवर्ड बर्ट्रैंड रसल साहब, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने डीबी पढ़ लिया था, विवेकानंद पढ़ लिया था और टैगोर पढ़ लिया था ना। रसल रह गए थे, रसल के अलावा गांधी रह गए और राधा कृष्णन रह गए। तो शीघ्र, अति शीघ्र, बहुत जल्दी मैं उसको कवर करूंगी, ठीक है? आई वॉज सो बिजी लास्ट डेज। सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। ओके, डन फ्रॉम माई साइड।